वेलकम बैक टू माई चैनल व्लॉग विश्रमा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड आफ्टरनून हो चुका है, एक बज रहा है। लाइट नहीं थी, मोबाइल अरहम लिए थे तो अभी लाइट आ गई, फिर मोबाइल लिया। तो नाश्ता वाश्ता हो गया है फिलहाल के लिए, अरहम का दूध भी बॉयल हो गया, यहाँ एग बॉयल हो रहा है अरहम का। और आज लंच में बन रहा है मशरूम का। आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा था ना, जो वहाँ दुबग्गा मंडी के सामने जो मार्केट लगती हुई थी, तो वहाँ पे वीक में दो बार लगती है, संडे और वेडनेसडे। तो वहाँ पे मशरूम मिल गया मुझे अच्छे, तो मशरूम दे दिया था। तो मटर मशरूम आज बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए प्याज भी चॉप कर लिया है, टमाटर इधर धो के रखा गया है, तो कटवट कर लिया है। अभी पहले खा लेते हैं, नाश्ता कर लिया तो अपना खा लेते हैं सुबह वाली दवा अपनी, जो मुझे नाश्ते के बाद में खानी है, तो वो खा रहे हैं। और इधर में आप देख सकते हो लाइट बंद है, तो अंधेरा है, मम्मी अरे हम बैठे हुए हैं। तो अभी ये है, और कल का शकरकंदी रोस्ट किया था, एक बचा, एक तो मैंने खा लिया था और हमने ज़रा सा खाया था बस, और एक मैंने खा लिया था, एक भी दिन भर में खा जाऊंगी। तो आज टोटल व्लॉग होने वाला है रेसिपी व्लॉग, आई थिंक अभी तक का तो लग रहा है रेसिपी व्लॉग ही होगा, क्योंकि अभी मशरूम बनाना, कई चीज़ें हैं बनानी, तो वो सारा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले दवा खा लेते हैं, फिर लंच बनाना स्टार्ट करते हैं। फिलहाल एक तो बज गया है। तो फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो गया, तो इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, लौंग, इलायची और दालचीनी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये चॉप किया हुआ प्याज। फ्रेंड, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तो इधर आप देख सकते हो चार्ज भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे अनियन फ्राई हो जाएगा ना थोड़ा गोल्डन गोल्डन, तो उसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ मैंने कुकर चढ़ाया है जिसमें जाएगा मटर पुलाव। तो यहाँ पे इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है फिलहाल के लिए, अभी ये गर्म भी हो जाएगा। तो इसमें जाएगा कुछ खड़े मसाले, जिसमें ये शाही ज़ीरा, ये सारा जार देखिए कॉफ़ी का है, इसको साफ़ कर दिए कितना सही होगा, है ना। और जाएगा एक इंच के आसपास का ये दालचीनी, एक चक्री फूल दिख रहा है ना, और एक छोटी सी लौंग, एक छोटी सी इलायची। तो ये चला गया, और इसमें जाएगा तेज पत्ता, और इसमें भी जाएगा तेज पत्ता, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जाएगी हरी मटर, ठीक है, इसमें जाएगी हरी मटर, इसको ढक के थोड़ा सा धीमा कर देंगे, थोड़ा सा मटर गलने तक का रहे, और इसमें लगा लेंगे दूसरा। अब इसको फुल फ्लेम करेंगे प्याज थोड़ा जल्दी से, जिसका मैंने इसमें ना वो नहीं डाला, क्या नहीं डाला, नमक थोड़ा सा डाल दीजिए तो प्याज जल्दी ब्राउन हो जाता है। और यहाँ पे मैंने तब तक लिए टोमेटो अपने चॉप करके रख लिया है। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये घर का बना हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। एक छोटा चम्मच डाला है मैंने, अच्छे से उसको भी भून लेंगे। इस सीज़न का पहला मशरूम मटर बनता है, इसको तो धीमा ही कर दिया है। यह हरी धनिया भी कट गई है कि इसको डालने के लिए उसमें फिलहाल। और इसमें जाएगी कुछ हरी मिर्ची, आप चाहें तो मटर पुलाव में इसको ऐसे भी खा सकते हैं, तो इसमें आप हरी मिर्च वगैरह डाल दें तो बड़ा ही अच्छा होता है, लेकिन हम उसको सालन के साथ खाएंगे। तो इसमें जाएगा मशरूम में हरी मिर्च, ऐसे ही खड़े ही डाल रहे हैं हम, कोई फाड़ के या आधे से काट के नहीं डाल रहे हैं, ऐसे ही डाल रहे हैं। लेट भी काफ़ी हो गया, मेरा फेस नहीं दिख रहा, आप दिखेगा। ओके, तो साथ साथ ना जिसे छाए छुई हुआ है ना, इसको भी हटा देते हैं, बहुत फैला हुआ किचन है। इधर अंडा बॉईल करके रखा हुआ है, अभी इसको भी छीलना है, इसको भी बीच में चला देंगे,
थोड़ा सा ना मटर सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, तब हम उसमें चावल डालेंगे। चावल भी मैंने धो के रखे। अरे थोड़ा सा उसका हम पीछे से मम्मी ना बोले तब तक मेरी कोई रेसिपी सही हो ही नहीं सकती है, है ना मम्मी? हाँ, उनको लगता है कि हमको कुछ आता ही नहीं है, और जबकि हम वेरी टैलेंटेड, आई एम वेरी टैलेंटेड पर्सन, बट कदर नहीं है घर में। वही है ना, घर की मुर्गी, दाल बराबर, साग बराबर, यहाँ पे घास बराबर है, है ना मम्मी? यस। इसको साइड में रख देते हैं, दूध थोड़ा सा किचन में स्पेस रहता है। मेरा लगते जिगर आ गया, ये नोजी बहा के थैंक यू दिए थे ना, तो इसको फ्रिज में रख के आइए प्लीज अच्छे से। बोले मेरा बच्चा माशाल्लाह बहुत काम करता है, मम्मा की बहुत हेल्प कराता है, मेरा बच्चा बहुत हेल्प कराता है, मेरा बेटा माशाल्लाह। फ्रिज में रख दीजिए लुलू, माई लगते जगह लुलू। जब लखनऊ में लुलू मॉल नहीं ओपन था तब से लुलू बुला रहे। लुलू मीन्स होता है मोती। और इसमें मेरा प्याज डाल दिया, बात करने में अब डाल देंगे तो जल्दी से टमाटर, ताकि टमाटर पकाने से कुकिंग रुक जाए। इसमें मैंने लगभग 250 ग्राम तक का टमाटर लिया था, दो डब्बा मशीन था तो 250 ग्राम तक का टमाटर था इसमें। आज सिर्फ किचन में ही जाएगा आज मेरा टाइम। डॉक्टर ने बोला जो आपको पसंद हो शमा वो काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजी रहिए और अपने फेवरेट काम करते रहिए। तो मैंने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया कि आई एम अ गुड पेशेंट, बिकॉज आई एम अ गुड पेशेंट, वेरी गुड पेशेंट। तो दवा भी प्रॉपर खाया मैंने, है ना मम्मी? दवा मजा ले कभी मैंने गैप किया हो, रिकॉर्ड है मेरा, है ना मम्मी? देखिए मेरा किचन काउंटर क्लीन हो गया, मैं दिखा दूं, देखो कितना क्लीन क्लीन कर दिया मैंने, सब फैला हुआ था फिलहाल। अब यहाँ टमाटर भून रहा है तो फ्लेम बिल्कुल बिल्कुल धीमा करेंगे, और अब इसमें जाएगा हमारे स्पाइसेस में, जाएगा सबसे पहले हल्दी, होममेड गरम मसाला, मिर्ची पाउडर तीखी वाली है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, एंड ओहो व्हाइट पेपर पाउडर। व्हाइट पेपर पाउडर ना हो तो ब्लैक पेपर पाउडर भी ले सकते हो, मेरे पास रेड ब्लैक पेपर पाउडर खत्म हो गया तो इसलिए हम व्हाइट पेपर पाउडर ले। तो चलिए डालते हैं फटाफट, और कश्मीरी मिर्च ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा, पहले डालते हैं मिर्ची। तीखा बहुत कम खाया जाता है तो उसे मशरूम मिर्च नहीं सोखता है, तो इसलिए थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि जो कश्मीरी मिर्च है वो भी थोड़ी तीखी है, तो जरा सा डालेंगे बस, क्या फ़ायदा बना और कोई खाए ना। धनिया पाउडर चाय का चम्मच दो, ये सारे कॉफ़ी वाले हैं जो ये तो बिग बाज़ार का कॉफ़ी का इंस्टेंट फ्रेश एंड प्योर, बाकी ये सारे विशाल वाले हैं। और इसमें जा रहा है व्हाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर से ज़्यादा तीखा होता है, तो उस हिसाब से डालें, थोड़ा फ्लेवर आना है बस। जीरा पाउडर छोटी चम्मच है, हल्दी पाउडर, कहाँ शिमला है, उनको ऐसे ही दिखता शिमला, शिमला भी आप डाल सकते हैं, हाँ हम नहीं डाल रहे हैं। गरम मसाला पाउडर, शिमला मिर्च की रेसिपी एक बनाऊंगी इंशाल्लाह जल्दी ही, बहुत ही ज़्यादा यम्मी।
अच्छा इसमें डाल दिया है, कश्मीरी मिर्च रह गया एक बार के चम्मच, तब कलर ना आए सालन में, तब काहे का सालन। ओके ओके अब रख देते हैं, फटाफट रख दें अपनी अपनी जगह इसको, ताकि काम ज़्यादा ना बढ़ा रहे। टामी स्ट्रेन, सबसे इम्पोर्टेंट सामान डाला ही नहीं है मैंने अभी, नमक एज पर टेस्ट कम होगा बाद में पड़ जाएगा। चलो सारा कुछ पड़ गया है इसमें, अब इसको मिक्स कर दें। बहुत ठीक हो जा रहा है मसाला, मैं दिखाती हूँ आपको। अगर देखो तो मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है, बहुत थिक हो गया है, अगर इसमें मसाला भुनेगा तो मसाला जल जाएगा, तो इसके लिए ना हम लोग इसमें पानी डालेंगे थोड़ा। सारा कुछ आपने डाल दिया इसमें, मसाला अच्छे से भुनना चाहिए कि सरफेस पे इसके ऑयल आ जाना चाहिए, और सरसों ऑयल में बनाएंगे ना मस्टर्ड ऑयल में तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इतना हमने डाल दिया और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम करेंगे, ज़रा सा और डाल देंगे ताकि बिल्कुल भी मसाला लगे ना, और इसको कवर कर देंगे और धीमे पे अच्छे से भुनेंगे जब तक कि तेल ना छोड़। और इधर पुलाव में का क्या हाल चाल है ये भी देख लेते हैं। मटर देखिए काफ़ी अच्छे से हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे चावल जो कि मैंने भी हो के रखा हुआ है। तो इसका पानी निकाल देंगे फिर इसको डालेंगे। इसका पानी ना आप यूज़ कर सकते हो फेस और अपने हेयर पे, इसको हल्का हल्का सा राइस वाटर आपका निकल आएगा, होम मेड ड्राई थोड़ा सा हल्का सा इसको ऐसे कर दीजिए हल्के हाथ से, बिल्कुल हो गया ना। अब इसका पानी हम निकाल लेंगे एक प्याले में और इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये पानी नहीं डाल रहा है हमको पुलाव में। ये देखिए बिल्कुल राइस वाटर निकल आया, आप इसका फेस मतलब रोज डेली स्प्रे कर लें राइस वाटर, स्किन मैंने यूज़ भी किया है तो बहुत अच्छा स्किन हो जाता है ग्लोइंग ग्लोइंग। इसको स्प्रे बॉटल में भर लेंगे या कोई आप कंटेनर टाइट कंटेनर शीशे की बॉटल में भर सकते हैं, हेयर पे भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया कुकिंग के साथ साथ ब्यूटी टिप्स, भले नहीं आता हो ब्यूटी टिप्स बट मैंने आपको दे दिया ब्यूटी टिप्स। अब ये चावल डाल लेते हैं, एक हाथ से डालना मुश्किल है, रुक जाए तो चलिए हम डाल लेते हैं इसमें चावल। अच्छा कई बार वैसे भी मिस्टेक हुई कि चावल आप पुलाव बना रहे हैं गीला हो जाता है, तो गीला इसलिए हो जाता है ना क्योंकि हम लोग जैसे प्लेन राइस बनाते हैं तो चावल के हिसाब से ही पानी रखते हैं, पुलाव में भी रख दें तो वो हो जाता है, क्योंकि गीला इसलिए तो क्योंकि इसमें ऑयल होता है, ऑयल चिकना होता ही है ना, इस वजह से होता है। तो जब भी पुलाव बनाइए कोई भी पुलाव, प्लेन पुलाव कोई भी पुलाव, तो उसमें नॉर्मल चावल पानी से थोड़ा कम पानी रखिए, तो चावल पुलाव कभी गीला नहीं होगा, फरहरा बनेगा एकदम खिले खिले से। ऑयल की वजह से आप नॉर्मल पानी पूरा रख देंगे ना तो फिर वो गीला हो जाता है, ये मैंने भी करके देख लिया तो एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बस थोड़ा सा पानी दिया, उसमें से समझ नहीं आएगा तो इसके रख लें, जितना आपका चावल है उसके आधा पानी रखिए, आधा से भी कम थोड़ा, क्योंकि ऑयल की वजह से ना चिकनाहट से वो हो जाता है पूरा। अगर थोड़ा बनने के बाद में गीला लगे तो दो चार चम्मच आप दूध के डाल दीजिए तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें जाएगा नमक, इसको आप वैसे भी खा सकते हो, टिफिन में भी दे सकते हो, बहुत ही अंदर इसमें थोड़ी सी पनीर डाल दो, कोई सब्जी डाल दो। तो एक चम्मच नमक डाल दिया, हम लोग को बड़ा पसंद आता है मटर पुलाव, मैं तो ऐसे करके देख लेती हूँ कैसे देख लेती ऐसे करके ना, ऐसे करते हैं ऐसे मेरा अंदाजा लगता है, तो जरा सा बस पीछे से भी क्लीन कर लें।
अब इसमें ढक्कन लगा देंगे एक सीटी, क्योंकि भीगा था चावल तो एक सीटी आने तक का हो जाएगा, तो पुलाव लगभग यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सबसे मेन काम रोटी बनाना। किचन काउंटर भी प्रॉपर क्लीन रहना चाहिए, है ना। राइस वाटर रख देते हैं इधर साइड में। ओके, गैस भी मेरा बिल्कुल क्लीन है, आप सब देख सकते हो। ये देखो, अब हम अपना मशरूम चेक कर लेते हैं। तेल आना शुरू हो गया, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए तेल आना शुरू हो गया है, बीच में एक बार और चला दें। अभी अच्छे से नहीं भुना है, अभी भुनेगा। और तो ये भी और भुनेगा, प्रेशर भी लगा देते हैं थोड़ा सा, ये और भुनेगा। तक हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं रोटी की। ओके, चलो आटा गूंद लेते हैं। नॉर्मल रोटी बना रहे हैं थोड़ा सा इस टाइम भर का, क्योंकि शाम को रुमाल ही लेंगे। तो तब तक ये बन रहा है, कुकर फ्लेम फुल कर दें। और ये बन रहा है, तब तक इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मसाला भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं आटा को गूंथ लेती हूँ। और यहाँ पे ये चटनी का रखा हुआ है, इसमें नींबू, टमाटर, धनिया और लहसुन। बहुत ही यम्मी बन के रेडी होती है चटनी। और यहाँ पे प्लग लगा हुआ है, चार्ज कर ले, मोबाइल चार्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, देखिए कितना अच्छा तेल ऊपर आ चुका है बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने मटर भी धो लिया, ये तो वॉश था ही। तो इसमें डाल देंगे मशरूम और मटर। अब इसको धीमे ही आंच पे मसाले में मिक्स करेंगे अच्छे से, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको, क्योंकि मशरूम अभी जो इसका अपना नेचुरल वाटर है ना, वो अभी रिड्यूस करेगा, तो ताकि वो अच्छे से रिड्यूस हो जाए बढ़िया। इसलिए हम लोग कोई इसमें पानी वानी नहीं डालेंगे। सिंपल चीज, जल्दी से बनने वाली चीज़ है। मसाला भुनने में ही टाइम लगता है, वैसे मशरूम तो गलने में इतना टाइम नहीं लगता। देखिए अच्छे से इसमें मसाला मिक्स कर दिया मैंने। धीमा ही रखेंगे और फिर से इस पर ढक्कन लगा देंगे। और यहाँ पे भी सीटी आ जाएगी, बस थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जितना ये मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, ये सारा ना मशरूम का ही पानी है। तो इसी में मशरूम भी गल जाएगा और अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी और अच्छे से। देखिए जब आपने देखा था तो बिल्कुल एकदम सूखा सूखा था, अभी देख रहे हैं। उसको ऐसे ही छोड़ना है। भूत बेबी कहाँ? इनका इधर देखिए। और अंडा नीनी क्या खाएंगे? चलो नीनी को दूसरा बॉईल कर देंगे। लीजिए फिनिश अंडा। यहाँ पे इनका ये चल रहा है, ग्वावा दिया, खाया नहीं। इधर मम्मी पढ़ लिए और ऑयल लगा टॉयलेट। और हम जा रहे हैं रोटी बनाने, मम्मी के लिए पराठा और अपने लोग के लिए रोटी। देखिए यहाँ पुलाव हो गया, देखिए कितना फरहरा हुआ है। तब इसको हल्का हल्का सा चला देंगे, तुरंत नहीं, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए ना तब उसको ढक्कन हटा के थोड़ा सा भाप निकलने दें, फिर करें। और अभी देखें कितना खिले खिले हुए हैं ना अंडा। तो ये देखिए गीला होगा ही नहीं पुलाव आपका। और थोड़ा सा इसको मिक्स कर दें, बस पुलाव रेडी हो गया, मशरूम रेडी हो रहा है। और फटाफट यहाँ पे रोटी बना लेते हैं। यहाँ पे पराठे भी बन चुके हैं। और यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से भुन गया था, वो नहीं शूट किया।
अब यहाँ पे आपको जितना भी रखना है ग्रेवी उतना रख सकते हैं मेरा इतना, बस एक उबाल आ जाएगा धनिया डालेंगे बंद हो गया। यहाँ पे बन के रेडी हो गया हम लोग का मशरूम मटर, अब खा के देखते हैं। इनका टम स्ट्रेन बन गया। लंच करना है, क्या करेगा लंच करना है या फिर रोटी? अरे हम के छोटी छोड़ो, उसमें रखिए कटोरी में रखिए। हाँ अब तोड़ तोड़ के खाइए। हाँ ठंडा ठंडा कर, हो गया ठंडा, थूक भी चूक गया। खा लीजिए पहले। मम्मी पराठे से खा रही, कैसा दिख ही नहीं? अच्छा मैम, नमक हल्का सा कम है लग रहा था, तेज हो जाता तो बेकार हो जाता, तो नमक थोड़ा डालेंगे बाकी ठीक है। यहाँ पे देखिए यार, हमको चेंज वेंज करा दिया था, झाड़ू भी लगा लिया, सब क्लीन हो गया दोबारा से। और हमको कल दवा लगाना, इनके खतना में भूल के गया, दवा खाया सो गए और रह गया, तो दवा कल नहीं लग पाई थी, तो थोड़ा इनको चोट भी लग गई थी कूदा कादी में, तो अभी इनका फिर ये लुंगी हो गया है और दवा भी लगाए, एकदम पसीना पसीना हो गया। नो नो मेरे, बस थोड़ा सा ही रह गया जख्म। रेसिपी खस्ता तो बहुत ज़्यादा पहले खस्ता हो गया था, फिर इसमें और मैदा और आटा मिलाया गया है और थोड़ी सी चीनी, तो अब फिर फ्राई हो रहा है। इसकी रेसिपी अगर जाननी हो फुल रेसिपी तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, फिर इसकी फुल रेसिपी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे मम्मी ने बनाया तो इस तरह से, अभी गर्म है काफ़ी ज़्यादा, ठंडा होगा फिर खा के बताया जाएगा। अच्छा है ना, नाइस। और ये जो पहले का डाला था तो ये हटिया, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, ये खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये टमाटर की चटनी, धनिया टमाटर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे खस्ते बन गए हैं, अभी गर्म है, ठंडा होगा। यहाँ थोड़े से ये ज़्यादा डार्क हो गए, बाकी ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे तेल लिया है, यहाँ पे ये जो चटनी बनाई है टमाटर धनिया वाली ना, तो ये जो है ना इसमें तड़का जाएगा जीरे का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खस्ते खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी बना हुआ, बहुत डिलीशियस, हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। नहीं इतना बहुत सही है, फंसता हुआ बहुत अच्छा। फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी जो है थोड़ा सा वही खस्ता खड़े होके कर ली, उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई। और यहाँ पे ये लखते जिगर खा रहे हैं जैली। अरे हम क्या खा रहे हैं आप? जैली। अच्छा डैडी से इनको सरप्राइज दिए हैं। और यहाँ पे मैच आ रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका का। और यहाँ पे है मिठाई। अरे हाँ क्या खा रहे हो? नूना इतना नौटंकी ये करता है, एक बार सही बोल के दोबारा गलत। क्या खा रहे हो? जैली। इतना खींच खींच बोलता है ये गंदेड़ो। रुबीना ऐसे ही बोलती है क्या? रुबीना दिलाग ऐसे इंग्लिश बोलती है? बिग बॉस में सलमान खान नहीं कर रहा था, कहाँ की इंग्लिश है भैया। तुमको लगता है मेरा आजकल फेस सूजा है, स्वेलिंग लग रही है, हाथ में भी लग रहा है। तुमको लग रहा है ज्यादा सोने की वजह से हो रहा है या फिर दवाई की वजह से? आज ज्यादा लग रोज नहीं लग रहा था, ओवरडोज तो नहीं होता? 3 हफ्ते की दवा बोले थे, मैंने 15 दिन की ही लिया है। टॉयलेट मम्मी का मुँह बदल रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है, दवा पेन किलर नहीं है, अभी थोड़ी देर में आराम होगा। फ्रेंड्स हम लोग का डिनर हो चुका है और अभी आराम का दूध भी जो सुबह बॉयल किया था रात में भी बॉयल कर देते हैं ताकि ख़राब ना हो, बस थोड़े बर्तन वो धुल जाएंगे, बस हो गया। और मैंने अपनी दवा भी खा ली 9 बजे वाली, अगर अभी नींद आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 11 बजे की दवा खानी होगी जिसमें 10 से 15 मिनट में नींद आ जाएगी। तो बस आज मैंने 2 रेसिपी, एक तो आधी शेयर की, एक तो पूरी शेयर की। मशरूम मटर ऐसे बनाइएगा बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा यमी बनेगी। और जो खस्ते हैं वो उस टाइम पर मोबाइल और हम लिए थे इसलिए पूरी रेसिपी नहीं शूट हो पाया, अगर आप लोग को चाहिए होगी तो बताइएगा कॉमेंट में।
करके कमेंट करके बताइएगा तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह दोबारा से शेयर करूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और बस आई होप पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए नए ऐसे ब्लॉग के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, फैमिली ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखें।